नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हरिशंकर प्रसाई का एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंध वैष्णव की फिसलन। इस निबंध में व्यंग्य प्रधान निबंध है। ये इसकी खासियत या शैली है, इसमें व्यंग्यात्मकता है। और इस निबंध के माध्यम से वो तत्कालीन जो हमारा समाज है, जो भ्रष्ट होता चला जा रहा है, उसका वर्णन किया है। तो आइए इसके कथानक को जानते हैं। देखिए, इसमें जो मुख्य पात्र की अगर बात करें तो मुख्य पात्र यहाँ पर वैष्णव धर्म को मानने वाला एक व्यवसायी है। यहाँ पर जो ये व्यवसायी है, ये एक करोड़पति व्यक्ति है। खूब धन दौलत है, खूब इसका व्यवसाय फला फूला है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये रोज 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करता है, इसीलिए ये वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु की पूजा में ये 2 घंटे रोज लगाता है और अपना जो इसका धंधा है, उस धंधे को ये धर्म से जोड़कर देखता है। 2 नंबर का खूब पैसा इस इंसान ने कमाया है और ये सोचता है कि 2 नंबर का बहुत पैसा इसने कमा लिया, तो इस धन से क्या किया जाए, ऐसा विचार इसके मन में आता है। और जब ये प्रभु के चरणों में बैठकर 2 घंटे वहाँ पूजा करता है, तब इसकी शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है कि पैसा कमाना तो सीख लिया, उसको लगाना भी सीखो और अपने व्यापार को बढ़ाओ। आजकल होटल का व्यवसाय बहुत अधिक चल रहा है, फल फूल रहा है, तो तुम्हें होटल की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, इसमें एक बात आप ध्यान में रखें कि धर्म की आड़ में किस प्रकार अपने जो गलत काम है उनको छुपाने का प्रयास किया जाता है। गलत कार्य को, व्यवसाय को धर्म से जोड़कर उसे ठीक बनाने का प्रयास किया जा रहा है वैष्णव के माध्यम से। वही यहाँ पर जो मुख्य पात्र है, वैष्णव धर्म को मानने वाला या जिसे वैष्णव कहा गया है, वो धर्म के नाम पर किस प्रकार अपने गलत कार्यों को छुपो कर अपने धंधे को आगे बढ़ाता है या उसमें खूब मुनाफा कमाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर कथानक की जो शुरुआत होती है वो होटल से होती है कि उसके मन में विचार आता है, भगवान के सामने वो कहता है कि मैं इतने 2 नंबर की कमाई, करोड़ों रुपए कर ली मैंने, मैं इस धन का उपयोग कैसे करूँ। तो शुद्ध आत्मा, जो वो ईश्वर की आत्मा मानता है, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि होटल की शुरुआत करो, क्योंकि आजकल ये व्यवसाय बहुत फल फूल रहा है। ये पहला विचार उसके दिमाग में जब आता है तो वो खूब अच्छा बढ़िया होटल बनाता है, करोड़ों रुपए उस पर लगा देता है, बहुत अच्छे कमरे और उसका जो पूरा तैयार करता है होटल, सभी सुविधाओं से युक्त है वो। उसके बाद होटल में ग्राहकों का आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे व्यवसायी हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो उस होटल में आकर ठहरते हैं। लेकिन एक दिन एक जो आकर उसका जो ग्राहक वहाँ रुकता है, वो आकर कहता है कि होटल की सुविधाएं तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस होटल में आकर साग सब्जियां खाने कौन आता है। हम साग सब्जियां खाने नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करने के लिए नहीं आते, बल्कि इसके साथ साथ हमें गोश्त भी चाहिए। जब ये बात वैष्णव को वो बताता है तो वैष्णव धर्म संकट में पड़ जाता है। वो कहता है कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो जो जो वैष्णव है वो कहता है कि मैं अपने ईश्वर, ईश्वर कौन है, विष्णु, कि मैं अपने भगवान से पूछूंगा और वो जो जवाब देंगे उसी के अनुसार मैं आगे का काम करूंगा। तो विष्णु की आत्मा से जब विष्णु से वो प्रार्थना करता है तो उसकी शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है। वो कहता है कि मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव कौन है। तो अगर वो भी ये बात कहते हैं, पीर पराई जानने की वो बात करते हैं, तो उसे गांधी जी की पंक्तियां याद आ जाती है, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे। यानी पराई पीड़ा को समझने वाला ही असली वैष्णव है। इसके अलावा अगर गांधी जी ऐसा कर सकते हैं जो पराई पीर को जानने की बात करते हैं, तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि तुम उनकी पीड़ा को ना समझो। तुम्हें भी उनकी पीड़ा को समझना चाहिए और होटल में गोश्त का जो प्रारंभ है या शुरुआत है कर देनी चाहिए। अपनी शुद्ध आत्मा की आवाज़ सुनकर जो वैष्णव है वो होटल में गोश्त का प्रबंध शुरू करवा देता है या गोश्त वहाँ पर परोसा जाना शुरू हो जाता है। उसके पश्चात जो होटल का ग्राहक है वो उसके पास आता है कि इस गोश्त को पचाने के लिए दवाई की भी आवश्यकता होनी चाहिए या दवाई की भी आवश्यकता है। गोश्त को पचाने के लिए दवाई की आवश्यकता में जो वैष्णव है वो समझता है कि उसे कोई हाजमे का चूर्ण चाहिए, तो वो उसके बारे में बात करता है। तो जो ग्राहक है वो कहता है कि मूर्ख, चूर्ण से हाजमा नहीं होता, इसके लिए तुम्हें होटल में शराब की शुरुआत करनी होगी। तो वैष्णव इस बात के भी खिलाफ हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपने प्रभु से पूछूंगा। तो प्रभु से जब वो प्रार्थना करता है कि प्रभु, जो ग्राहक है वो गोश्त को पचाने के लिए अब शराब मांगते हैं, तो
प्रभु की जो अंतरात्मा है उसके भीतर उससे आवाज आती है कि मूर्ख तुम लोगों की बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि देवता भी तो सोमरस का पान करते थे, शराब यानी सोमरस, कि देवता भी तो सोमरस का पान करते थे, और सामदेव जो हमारा वेद है उसमें भी तो सोमरस की चर्चा की गई है, तो तुम्हें उनके लिए सोमरस का प्रबंध कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई बुरी बात नहीं है। और वैष्णव ऐसा ही करता है, वो गोश्त के साथ साथ सोमरस का भी प्रबंध कर देता है, अर्थात शराब की शुरुआत कर देता है। उसके बाद जो उसका ग्राहक है वो उससे कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें केवल मरे हुए गोश्त से संतुष्टि नहीं होगी, हमें जिंदा गोश्त चाहिए। ये बात जब वैष्णव को पता चलती है तो वो उससे कहते हैं कि मैं अपने प्रभु से पूछूंगा, अर्थात विष्णु से पूछूंगा। वो जब विष्णु के सामने ये प्रार्थना करते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर नारी का नृत्य देखना चाहते हैं, तो विष्णु उनसे कहते हैं कि तो इसमें ऐतराज किस बात का, मैंने भी तो कृष्ण अवतार लेकर गोपियों को नचाया था, तो इसमें बुराई नहीं है। और इसी बात का सहारा लेकर जो वैष्णव है वो कैबरे डांस शुरू करवा देता है, होटल खूब फलने फूलने लगता है, क्योंकि गोश्त भी आ गया, शराब भी आ गई, और यहाँ पर नृत्य के लिए नारी भी आ गई। इसके बाद जो अन्य ग्राहक आते हैं वो कहते हैं कि मन बहलाने के लिए हमें दूसरे किस्म की माल की आवश्यकता है। वो एक जो वहाँ पर वेटर होता है उससे कहता है कि क्या तुम दूसरे किस्म का माल भी उपलब्ध करवाते हो, तो वो मना कर देता है। और यही बात जब वैष्णव से जाकर कही जाती है तो वैष्णव उस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं अपने प्रभु से पूछूंगा, अर्थात विष्णु से पूछूंगा। वो विष्णु के पास जाकर जब प्रार्थना करता है तो कहता है कि हे प्रभु, लोग नारी मांगते हैं, तो आवाज़ आती है उसकी शुद्ध आत्मा से कि ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, यानी तुम लोगों को स्त्रियाँ यहाँ पर लाकर दो, क्योंकि ये तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो इस कुप्रथा को या कहे कि इस बुरे व्यभिचार को भी वो किसके साथ जोड़ देता है, वो प्रकृति और पुरुष के साथ जोड़ देता है। यहाँ पर विष्णु का सहारा लेकर यानी धर्म का सहारा लेकर वो सभी प्रकार के कुकृत्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ वो अपने वेटर से ये कहता है कि जब तुम ये काम करो, स्त्रियों का जब प्रबंध करो, जब तुम नारी का प्रबंध करो होटल में, तो पुलिस से बचकर करना और ग्राहकों से कहना कि जो 25% है वो दान पेटी में डाल दें। यानी वो अपना जो पैसा है वो भी बढ़ा देता है और कहता है कि 25% तुम दान पेटी में भी डाल दो। तो यहाँ पर अपने धर्म का सहारा लेकर किस प्रकार जो वैष्णव है वो अपने व्यवसाय को खूब फला फुला लेता है, यानी उसका वैवाहिक जो व्यवसाय है वो खूब जोर से चलने लगता है, खूब अच्छे से चलने लगता है, उसमें खूब वृद्धि होने लगती है, खूब कमाई होने लगती है, और ये कमाई 2 नंबर की कमाई ही वो कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है? धर्म का सहारा लेकर। खुद को वो वैष्णव कहता है लेकिन वो सारे ऐसे कार्य कर रहा है जो वैष्णव धर्म में वर्जित है, लेकिन वो सहारा किसका लेता है? इसी धर्म की आड़ में, इसी धर्म का सहारा लेकर वो ये सारे काम करता है जो कि समाज के हित में नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इस निबंध का उद्देश्य देखें तो इस व्यंग्यात्मक निबंध में उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो विभिन्न व्यवसायों में पनपने वाले भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान है, कि अलग अलग जो व्यवसाय हैं उसमें जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। धर्म की आड़ में होने वाले भ्रष्टाचार समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाते हैं, क्योंकि धर्म से सभी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, और भारतवर्ष में तो ये परंपरा रही है कि सभी धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे में धर्म की आड़ में अगर भ्रष्टाचार होंगे तो वो समाज के लिए घातक हो सकते हैं। इसी वास्तविकता का इस व्यंग्यात्मक निबंध के माध्यम से उद्घाटन किया है हरिशंकर प्रसाई ने। तो ये आज का निबंध था वैष्णव की, अगर हम देखें तो वैष्णव की फिसलन, की एक वैष्णव धर्म को मानने वाला व्यक्ति किस प्रकार अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए या 2 नंबर में अधिक धन कमाने के लिए वो कैसे अपने धर्म के मार्ग से फिसल जाता है। हरिशंकर प्रसाई जी ने अपने इस निबंध के माध्यम से धर्म में आई हुई जो कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, उन सब पर करारा व्यंग्य किया है, और समय समय पर वो ऐसे निबंध लिखते रहे हैं जिनसे कि समाज में बदलाव लाया जा सके, समाज की कुप्रथाओं को सामने लाया जा सके और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास हम लोग कर सकें, ऐसा उनका प्रयास रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि
इस निबंध का कथानक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।